नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में, पिथौरागढ़ के देव सिंह मैदान में स्वर्गीय प्रकाश पंत स्मृति फुटबॉल प्रतियोगिता जारी है। प्रतियोगिता में आज सोमवार का मैच बीण व भुरमुनी के मध्य खेला जाएगा। बीते दिवस हिमालय पब्लिक स्कूल और लेलू के मध्य हुए मैच में हिमालय स्कूल की टीम ने 2-0 से मैच जीत लिया। मैच में निर्णायक की भूमिका में कबीर सिंह मेहता, नितिन उप्रेती, नवीन खत्री, अरविंद सक्सेना, अनिल सोनवा, उद्घोषक देवेंद्र बिष्ट थे। मैच के मुख्य अतिथि जिला रेडक्रॉस सोसाइटी अध्यक्ष महेश पंत व विशिष्ट अतिथि उद्योग व्यापार मंडल महामंत्री जनक जोशी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच शुरू करवाया। इस मौके पर किरण महर, भूपेंद्र चौहान, संजय रावल, नरेंद्र खत्री, मनोज पुनेठा, तरुण महर, केसर पाल, मनोज मेहरा, आशीष सोन सहित कई खेल प्रेमी मौजूद थे। विश्व नागरिक दिवस के अवसर पर यहां नगर पालिका सभागार में ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन करते हुए 80 वर्ष से अधिक आयु के 12 बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष दयानंद भट्ट की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मानस कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार पंत व विशिष्ट अतिथि एडवोकेट मोहन चंद भट्ट, चारूचंद्र जोशी, प्रोफेसर लच्छूलाल वर्मा, चंद्रशेखर कापड़ी, डॉक्टर तारा सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य व लेखक पद्मा दत्तपंत द्वारा गरीब व असहाय वरिष्ठजनों की मदद को लेकर एक कोष बनाए जाने की आवश्यकता जताई गई। इस दौरान डॉक्टर अशोक कुमार पंत द्वारा अपनी ओर से कोष की स्थापना के लिए 51,000 की धनराशि देने की घोषणा भी की गई। कार्यक्रम के दौरान 80 वर्ष से अधिक आयु के 12 बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष पीडी भट्ट, बीबी भट्ट सहित कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान मंडप स्कूल के बच्चों द्वारा शिक्षक भुवन पांडे के निर्देशन में विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। संचालन महासचिव ललिता प्रसाद जोशी द्वारा किया गया। इससे पूर्व सोसाइटी के पदाधिकारियों, सदस्यों, उपस्थित लोगों द्वारा समाज सेवी कैप्टन दीवान सिंह वलजा के पुत्र के आकस्मिक निधन पर शोक सभा का आयोजन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के निकट सटे क्षेत्रों में गुलदार का खतरा भी बरकरार है। बीती रात गश्त के दौरान वन विभाग की टीम को चंडाग रोड में जेल बैंड के निकट गुलदार दिखाई दिया। बीते दिनों गुलदार दिखाई देने से नगर वासियों में दहशत व्याप्त थी। बीते 2 सप्ताह पूर्व गुलदार ने खड़कोट वार्ड के मध्य घनी आबादी में पहुंचकर एक लावारिस स्वान को अपनाने वाला बना लिया था, जिससे वार्ड सहित अन्य लोग भयभीत थे। हालांकि वन विभाग द्वारा लगातार गश्त कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बीती रात जेल बैंड के निकट गुलदार दिखाई देने से लोगों में दहशत बनी हुई है। वन क्षेत्र अधिकारी दिनेश चंद जोशी ने सभी लोगों से सतर्क रहते हुए देर रात तक अकेले आवाजाही न करने की अपील की है। देखिए, अब गांव वालों की घास कटाई शुरू हो गई है। धीरे धीरे जो गुलदार के छुपने के स्थान थे वो खाली हो रहे हैं। गुलदार की आवाजाही तो बनी ही रहेगी उसके बाद भी, लेकिन जो उसके छुपने की जगह थी वो जगह अब साफ हो रही है। तो धीरे धीरे ये मोमेंट इसका चेंज कर लेगा और अभी खतरा तो बना हुआ है, इसको नकारा नहीं जा सकता, बना है। इधर टकाड़ी क्षेत्र में भी गुलदार दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। अनुसूचित महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष सीता भारती ने वन विभाग से गुलदार को आबादी क्षेत्र से बाहर किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि टकाड़ी गांव के आसपास शाम को आए दिन गुलदार दिखाई दे रहा है। पूर्व में गुलदार द्वारा मवेशियों पर भी हमला किया गया था, जिससे ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। उन्होंने एक पत्र के माध्यम से वन विभाग से उचित प्रबंध किए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके तहत पुलिस द्वारा अलग अलग मामलों में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। शराब तस्करी करने वालों के खिलाफ चले अभियान के तहत डीडीहाट में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हिमांशु पंत के नेतृत्व में उप निरीक्षक बसंत रमटा व कांस्टेबल उमेश सती व टीम द्वारा आरोपी त्रिभुवन सिंह निवासी आदि चौरा व पंकज जैरी डीडीहाट को अलग अलग स्थानों पर 104 पौवे अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। थलमय थानाध्यक्ष हीरा सिंह डांगे के नेतृत्व में कांस्टेबल राजेश कुमार व सुरेंद्र चंद्र द्वारा चेकिंग के दौरान आरोपी गंगा सिंह पमतोड़ी को 27 पौवे अंग्रेजी शराब व 21 बोतल बियर के साथ गिरफ्तार किया गया। जजरदेवल क्षेत्र में थानाध्यक्ष हरीश पुरी की अगुवाई में कांस्टेबल मनोहर सिंह द्वारा गणेश राम भड़कटिया को 15 बोतल व 16 पौवे अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला पंजीकृत किया गया है। चंपावत जिले के
पार्टी क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज गरसाड़ी में कक्षा 9 में अध्ययनरत एक छात्रा के साथ प्रभारी प्रधानाचार्य ने छेड़छाड़ कर दी, जिसकी शिकायत मिलने पर प्रभारी प्रधानाचार्य को पुलिस द्वारा बीते दिवस गिरफ्तार किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते 30 सितंबर को प्रभारी प्रधानाचार्य लीलांबर बिष्ट पर घर जाते समय एक कक्षा 9 में पढ़ने वाली बालिका के साथ रास्ते में छेड़छाड़ के आरोप की पार्टी थाने में शिकायत की गई थी, जिस पर मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा के आदेशानुसार पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए पास्को सहित विभिन्न धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया। मामले की विवेचना उप निरीक्षक सुष्मिता राणा द्वारा की जा रही है। पुलिस द्वारा मामले की जाँच और बयानों के आधार पर बीते दिवस आरोपी लीलांबर को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। पुलिस की अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में कांस्टेबल रमेश नाथ गोस्वामी और रमेश राणा आदि शामिल थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।